नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस कॉलेज में जो है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे, वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें क्या शुल्क रहेगी, किनको शुल्क छूट रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में जो जूनियर असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन भरने से पहले दोस्तों आपको ये जो जूनियर असिस्टेंट दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नोटिफिकेशन है ये आपको पढ़ लेना है, जो कि 18/9/2024 को जारी किया गया था। इसमें जो दोस्तों पद संख्या टोटल 29 है, इसमें जो वेतनमान 19,900 से 63,200 तक रहेगा लेवल 2 का वेतनमान, और इसमें जो है दोस्तों सामान्य वर्ग SC ST OBC EWS और विकलांग कैंडिडेट के लिए कितने कितने पद संख्या वो भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। साथ ही दोस्तों इसकी जो शैक्षणिक योग्यता आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 यानी कि 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, और जो कि किसी भी बोर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्था से आपका जो दोस्तों कक्षा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा और CPCT होना अनिवार्य, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये नियम पुस्तिका जो है दोस्तों अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से रिमार्क कर ले, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। अब हमें आवेदन करना, तो यहाँ पर जो लिंक दी गई है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी आप दिल्ली के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे, तो ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप ये डायरेक्ट ये वाली लिंक पर आकर अपना आवेदन कर सके। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक ईयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा, न्यू अकाउंट। तो सबसे पहले आपको आपकी एक्टिव चालू वाली ईमेल आईडी देनी है, आपका जो भी पासवर्ड है पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, पुनः पासवर्ड देना, उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम देना, और सिंपल से आपको रजिस्टर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। जैसे आप रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी दी थी वही आपका यूज़र नेम रहेगा, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो देकर आपको सिंपल से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑटोमेटिक रहेगा, पोस्ट यहाँ पर अप्लाइड सिलेक्ट है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो जूनियर असिस्टेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आवेदक का जो भी नाम है नाम देना है, मिडिल नेम है तो दे, अन्यथा छोड़ दे, लास्ट नेम है तो दे, अन्यथा छोड़ दे। उसके बाद में नेम आप पिता का नाम देना चाहते हैं, माता का नाम देना चाहते हैं, या गार्डियन का जिसका भी नाम देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, उनका नाम देना है। उसके बाद में जो भी रूल बुक के अनुसार आपकी उम्र है उसके अनुसार आपकी जो भी तारीख है आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार जो भी जन्मतिथि वो जन्मतिथि देनी है। नेशनलिटी इंडिया ऑटोमेटिक रहेगी, जेंडर का यहाँ पर आपको चयन कर लेना, उसके बाद में मेरिटल मेरिट अनमेरिट जो भी उसका चयन कर ले। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी ST SC OBC जो भी कैटेगरी उसका चयन कर ले। उसके बाद में यदि आप विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। यदि आप यस को सिलेक्ट करते तो उसकी जानकारी देनी है, उनके सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो इसको नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको देना है, और परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है दोस्तों एक जैसा है, तो चेक पर आप क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, अगर आप अलग अलग देना चाहते तो अलग अलग टाइप कर ले। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, सेकंड मोबाइल नंबर यदि है तो दे, नहीं तो छोड़ दे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है, और उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करके सिंपल से प्रोसेस टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको जैसे आप इस पर एग्जामिनेशन पास है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th सिलेक्ट टाइप करना है। उसके बाद में बोर्ड जिस भी बोर्ड से आपने जो दोस्तों कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की उसका नाम देना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, उसके बाद में डिवीज़न फर्स्ट सेकंड जो भी वो देना है, उसके बाद में परसेंटेज जो भी वो देना, और सब्जेक्ट यहाँ पर 10th आप लिखोगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आप टाइप कर दे। जैसे आप ऑल सब्जेक्ट टाइप कर लोगे उसके बाद में यहाँ पर आपको 12th टाइप करना है, 12th आपने कौन सी बोर्ड से करी है वो बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है, पर पासिंग ईयर देना है, डिवीज़न देना है, सब्जेक्ट आपने 12th कौन सा सब्जेक्ट आपने कौन से ग्रुप से कर रखा वो देना है, परसेंटेज देना है। और यदि आपके पास परसेंटेज ग्रेड नॉट मेंशन
यदि आपके पास परसेंटेज नहीं है तो यहाँ पर आप ग्रेड या परसेंटेज जो भी देना चाहते हो, नहीं देना चाहते तो इन्हें को टाइप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका जो भी परसेंटेज, आप परसेंटेज यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज दे। उसके बाद में यदि ग्रेजुएशन है तो उसकी जानकारी दे, अन्यथा छोड़ दे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी CPCT और आपका जो भी एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपल से सेव एंड सेव पर क्लिक कर प्रोसेस टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। तो हमें जानकारी फिल कर प्रोसेस टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक्सपीरियंस डिटेल खुलकर सामने आएगा। साथ ही दोस्तों यदि आपके पास CPCT नहीं है तो उस स्थिति में आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में कोई अनुभव है तो यहाँ पर आप अनुभव की जानकारी देने तक सेव पर क्लिक करना है और सिंपल से प्रोसेस टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस टू नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों जो भी एक कैंडिडेट है उनकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का बोला जाएगा, जो कि 100 KB से कम के। और यहाँ पर सिग्नेचर जो दोस्तों JPG या JPEG फॉर्मेट में, आपको JPG फॉर्मेट में स्कैन कर अपलोड करना है। तो जो भी फोटो है, फोटो चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर ले, फिर सिग्नेचर अपलोड कर ले। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों कॉपी ऑफ मार्कशीट, जो भी आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, उसके 12वीं की मार्कशीट और यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट जो भी आपके पास उपलब्ध है वो मार्कशीट यहाँ पर आपको और सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर आपको सेव पर क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, यदि आप OBC ST SC या EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र वो स्कैन कर यहाँ पर 200 KB से कम में PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद में विकलांग है तो वो अपलोड करने तक छोड़ दे। उसके बाद में NOC यदि है तो वो दे, अन्यथा छोड़ दे। एक्सपीरियंस है तो वो दे, अन्यथा छोड़ दे। और एनी अदर सर्टिफिकेट आपके पास है तो, जैसे आप PGDCA वगैरह है तो वो यहाँ पर आप स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं अदर सर्टिफिकेट में। उसके बाद में आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर क्या आपको कभी लिंग जाति संबंधी अपराधों के लिए दंडित किया गया या न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया? यदि हाँ तो कृपया बताएं, और तो यह नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करना, और है तो हाँ को सिलेक्ट करें। उसके बाद में क्या आपके विरुद्ध कोई कोर्ट में न्याय मामला जो है दोस्तों लंबित है? यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में सारी जानकारी आप पढ़ ले, जो भी आप पर लागू है उसको आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों हमने यहाँ पर जानकारी जो आप हिंदी में पढ़ना चाहते तो राइट क्लिक कर ट्रांसलेट टू हिंदी का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो इंग्लिश में। उसके बाद में ऑनलाइन भुगतान लेन देन विवरण, यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों आपकी जो भी शुल्क भुगतान है रूल बुक के अनुसार, आपको सबसे पहले इसका शुल्क भुगतान कर लेना, जो हम आपको आगे बताएंगे अपनी शुल्क भुगतान कैसे करोगे। और यदि आप शुल्क माप में आते हैं तो यहाँ पर आपको लेन देन ID में जो है दोस्तों 000 टाइप कर देना है। उसके बाद में ये आप यदि आप शुल्क भुगतान किया है तो जो भी शुल्क भुगतान की रसीद आपको मिली वो PDF प्रारूप में यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर अपलोड करना है। उसके बाद में दोस्तों अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि है तो वो यहाँ पर दे, अन्यथा छोड़ दे। उसके बाद में दोस्तों कार्य प्रारंभ करने का आवश्यक समय दिनों में यहाँ पर आपको देना, यदि आप देना चाहते तो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में ज्ञात भाषा यहाँ पर आपको टाइप कर लेनी जो भी आपको उचित लगे, और कार्य ग्रहण करने के आवश्यक समय जो भी है वो यहाँ पर देना है। क्या आपको कंप्यूटर ज्ञान है? हाँ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दो रेफरी के नाम, पदनाम, फ़ोन, मोबाइल नंबर संबंधित यहाँ पर जो भी आपके पहचान के हैं, आपके परिवार के नहीं होना चाहिए, आपके जो भी दो पहचान के सदस्य उनके नाम देना है। निर्णायक के नाम, पदनाम, कार्य अवधि और उसकी जानकारी फिल करनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग स्पीड की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड की जानकारी आप दें। उसके बाद में जो भी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में आपको देना है, जितने शब्द पर मिनट है वो देना है। उसके बाद में तारीख और समय ऑटोमेटिक रहेगा, प्लेस यहाँ पर आपको टाइप करना, सिंपल से बचाना और उसके बाद में अगले पृष्ठ पर जाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों आपका जो जानकारी वो सेव, यानी कि आपका आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको एक प्रीव्यू पेज दिखेगा। तो इसके आप प्रीव्यू पेज चेक कर ले, उसके बाद में स्क्रॉल कर जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो आवेदन फॉर्म इसकी प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी आप सुरक्षित अपने पास संभाल कर रख ले, ताकि जब इसकी एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है, तो दोस्तों ये रिसिप्ट आपको उस समय आवश्यक रहेगी। यदि एग्ज़ाम होता है तो एडमिट कार्ड के लिए आपको ये रिसिप्ट की आवश्यकता रहेगी, और दोस्तों इंटरव्यू होता है तो डायरेक्ट ये रिसिप्ट आपको आवश्यक रहेगी। तो यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी प्रिंट निकाल ले। जैसे आप प्रिंट निकाल लोगे, उसके बाद में दोस्तों यदि आप फीस में आते, यानी कि ST SC जो कैटेगरी के अभ्यर्थी छोड़कर जो भी कैटेगरी के रूल बुक के अनुसार फीस की श्रेणी में आते हैं,
तो उसका फीस शुल्क को भुगतान कैसे करो, तो उसके लिए आपको ये वाले होम पेज पर आना है। दोस्तों ये वाले होम पेज पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट लिंक क्लिक है, फॉर पेमेंट फीस का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जिनको फीस नहीं भरना है वो ST SC या PWD यानी कि विकलांग और महिला कैटेगरी के उम्मीदवार, किसी भी कैटेगरी की महिला है जो है दोस्तों आवेदक है, उनको आपको फीस नहीं भरना है। और OBC और जनरल कैटेगरी में यदि आप पुरुष अभ्यर्थी है तो आपको इसकी जो शुल्क है वो फिल करनी है। तो यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट वाली लिंक जैसे दिखे, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद में फीस, यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर आप नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट फीस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ पर फीस ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेगा। उसके बाद में रिमार्क ऑटोमेटिक लेगा। उसके बाद में कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी का चयन करें, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी इसका शुल्क भुगतान करना है इसका शुल्क भुगतान कर ले। शुल्क भुगतान करने के बाद में जो रसीद आपको निकलेगी वो रसीद जो है दोस्तों आप आवेदन करोगे तो आवेदन में जो रसीद मांगी जा रही है वो रसीद और उसमें जो रसीद में जानकारी वो जानकारी आपको आवश्यक रहेगी। इसलिए जो भी शुल्क भुगतान की रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आप संभाल कर जो दोस्तों उसको सुरक्षित रख ले, ताकि आप आवेदन फॉर्म फिल करोगे तो उस समय रिसिप्ट की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो जूनियर असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।